शास्त्र को विधि ने, विधि कहते हैं विधाता ने, देर तक ध्यान से पढ़ा होगा तब कहीं 16 कलाओं से तुम्हें अवकाश में गढ़ा होगा। बोले राम राजा सरकार की। परम पूज्य हमारे महाराज जी ने दीप प्रज्वलित आज साक्षात ईश्वर तुल्य अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रेम मूर्ति परम पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज के कर कमलों के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अतिथि हमारे जो आज माननीय अतिथि हैं सीआरपी निरंजन जी, एमएलसी प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर कुशवाहा जी जो कुशवाहा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, श्री परमानंद कुशवाहा जी हमारे बीच मौजूद रहे और जिनके सत प्रयासों से आज यह मौज की पावन नगरी पुण्य तीर्थ बन चुकी है, कुंभ के रूप में अवतरित हो चुकी है। माननीय विधायक जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, तालियां बजाकर माननीय अतिथियों के लिए और परम पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज के चरण रज के लिए सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच महाराज ने स्वयं आकर अपने चरण रज देकर इस भूमि को पुण्य कर दिया है। दीप प्रज्वलित कर उन्होंने यह बताया है कि मौत की पावन नगरी में अब यह प्रकाश अंधकार भी मिटाएगा, गरीबी भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा, क्योंकि कहते हैं जहां श्री राम कथा का वाचन हो वहां सातों तीर्थ, सातों नदियां और सातों समुद्र एक साथ आ जाते हैं। देवता स्वयं श्री राम कथा में चढ़कर इस पावन नगरी में पधार चुके हैं। मैं पुनः अब मैं सादर निवेदन करूंगा आज के जो मंच पर कलाकार हैं, भारत के जाने माने कलाकार श्री लालवंत चंचल जी और बहन सम्मानीय श्री कल्पना दुबे जी, आप अपना कार्यक्रम शुरुआत करें। आप लोग तालियां बजा करके लालवंत भैया का स्वागत करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता विधायक जी मुझे इस बात की हो गई है कि कार्यक्रम तो चल ही रहे हैं, धन्य है आप, ऐसे ऐसे कलाकारों को यहाँ दिखा दिया जिसका कोई मोल नहीं, लेकिन आज कीर्तन को सार्थक कर दिया हमारे परम पूजनीय महाराज जी ने यहाँ आकर के, कि कीर्तन कीर्तन होता है, वो हरि कीर्तन निर्भर करते हैं, लोगों से कराते हैं, तो आज जवाबी कीर्तन को सार्थक कर दिया, रंजो भाई का हृदय गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। Hello. Bus.
पावन प्रांगण में उपस्थित जनमानस का अभिवादन तो कर ही रहा हूं, साथ ही साथ अपने को भाग्यशाली समझते हुए कि जिनका उद्बोधन YouTube के माध्यम से या टीवी पे सुनता रहता हूं, आज प्रत्यक्ष मुझे दर्शन मिल रहा है। परमाधणी पूजनी गुरुतुल्य हमारे सम्मानी प्रेम भूषण जी महाराज साक्षात विराजमान है आशीर्वाद देने के लिए। सादर चरणों में प्रणाम करते हुए पहला गीत महारानी के चरणों में हाजिरी लगा दूं। इसके बाद ये कार्यक्रम राममय तो है ही, जहां आपका पदार्पण हो वो तो स्थल राममय हो ही जाएगा। तो सुनते हैं भैया, थोड़ा देख लीजिए साथियों के बरदे बरदे शाह
Thank you.
और जब राम कथा चल रही है तो हनुमान जी मौजूद जरूर होंगे। जय हो, जय हो। और हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता, मजबूत देवता हमारे। लेकिन मैं जो गीत सुनाने जा रहा हूं, आदरणीय कल्पना जी परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। एक तुलनात्मक दौर में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। गीत कह रहा है मुझे थोड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट क्या हो रहा है महाराज जी? हम लोगों के सामने थोड़ी मजबूरी है, इसके लिए आपके पैर छू के मैं क्षमा चाहता हूं। जवाबी कीर्तन में विधा में एक ऐसा है चलन कि तर्ज जरूर बतानी पड़ती है। गीत का प्रस्तुतिकरण विधायक जी बाद में होता है, तो ताकि सामने कलाकार को भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल, और सुनने वालों को भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं, मेरी मजबूरी है, इसके लिए मैं क्षमा याचक हूं। और सुनिए इस गीत कि मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों, श्री आज
पी निरंजन जी, आज आप इस मंच के मुख्य अतिथि महोदय हैं और आपकी तरफ से इस नाचीज के लिए, और आप पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं, क्षमा चाहता हूं, थोड़ा अगर पर्चे में बजवा भैया सहयोग करते हैं हमारा। हाँ तो आप आज के मुख्य अतिथि हैं और पूर्व एमएलसी हैं, जो बोल दिया ठीक है। अब श्री आर पी निरंजन, एमएलसी प्रतिनिधि श्री जुगल किशोर कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा समाज, दोनों लोग यहाँ आए हैं, तालियां बजाकर स्वागत करिए। और अब कोई भी पुरस्कार कलाकार को डिस्टर्ब करके नहीं बोला जाएगा। हाँ ये अब हम यहाँ हमें दे दीजिए, हम लिख के बाद में बोल देंगे। एक मूल्यवान पुरस्कार आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, 1100 पत्र मुद्राएं, आपको हृदय से नमन है, वंदन है, हृदय से नमन है कह रहा हूं, अब गीत देना कह रहा है। और हम पैर छू लेंगे तुम्हारे, इतनी कृपा बनाओ, ये सीटी साथी वाला काम उनको पसंद नहीं जी। कम बोले अच्छा बोलता चला जाए। हमारे साथ आपकी पहली संगत हो रही है, हमारे नेचर से आप नहीं परिचित हैं ऐसा लग रहा। सुनिए, जय हो जितन दिया। अरे किया संकोच नहीं, अरे किया संकोच नहीं प्रभु ने ये बताने में, क्या अरे प्यारा ना सूसा है, प्यारा ना सूसा कोई दूजा इस जमाने में। भगवान राम ने कह दिया कि प्यारा ना सूसा कोई दूजा इस जमाने में, क्योंकि महात्मा तुलसी ने उधर इंगित कर दिया, सूत्रोही ममदास कहावा कह रहा हो। अरे किया संकोच नहीं प्रभु ने ये बताने में, प्यारा ना सूसा है, प्यारा ना सूसा कोई दूजा इस पहली बात देखे आप। और कहा प्रिय प्रभु ने कई लोगों को ये भी पाया, ये कहा तो बहुत लोगों को, लेकिन एक बात नहीं लाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे कहा प्रिय प्रभु ने कई लोगों को ये भी पाया, और श्री गोस्वामी जी ने मानस में भी पते गाया, बजरंग की बड़ाई और मिलती ऐसी चौपाई, कीनी बजरंग की बड़ाई और मिलती ऐसी चौपाई, पवन सुत से ये बोले प्रिय हो भरत सम भाई। कल्पना जी तो कह रहा हो, अरे कसर छोड़ी नहीं, अरे कसर छोड़ी नहीं और तू ना उन्हें बताने में। बात समझ लीजिएगा, जो बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ उसको गहराइयों तक समझना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा तुलसी ने फिर कह दिया, सुन कभी जन मानस ज्यो ऊना और तुम मम प्रिय लक्ष्मण से दूना। तो
और कसर छोड़ी नहीं, और कसर छोड़ी नहीं, पर तू ना उन्हें बताने दे, और प्यारा ना सोचा है प्यारा ना सोचा कोई तुझा तो प्यारा ना सोचा है प्यारा ना
सम्मानी श्री राजेश शर्मा जी प्रधान कोटरा, आपकी तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं आई हुई हैं। मैं प्रधान जी आपका हृदय से अभिवादन कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। सभी श्रोताजनों को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, जिनसे मैंने महाराज जी थोड़ा सा गाना बजाना सीखा है और इस मंच तक लाने का जिसने प्रयास किया है वो शख्सियत आज आपके मंच पे परमादनी सम्मानी झांसी से पधारे श्री रवि त्रिपाठी जी, संगीताचार्य झांसी। आपके कमलों से मुझे 201 पत्रपुत्राओं का पुरस्कार नहीं है बल्कि आशीर्वाद मिला है, तो मैं चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। पहला चक्र था, समय ज्यादा लग गया है विधायक जी, मैं हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी मजबूरियां हैं, इसके लिए क्षमा याचक हूँ। आदरणीय रजवा भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जालवन जी, बढ़िया प्रस्तुति आपकी रही है और इसी पर प्रसन्न होकर के हमारे परम आदरणीय युवा हृदय सम्राट, जितना भी ये चमत्कार दिख रहा है ये हमारे परम सम्मानीय विधायक जी का है। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ भगवान ने इन्हें किस मिट्टी का बनाया है, कितनी जिंदा दिली है। कल जो कार्यक्रम मैंने देखा, सत्य कह रहा हूं, छोटे मोटे व्यक्ति की तो विधायक जी हिम्मत नहीं है कि चांद कादरी को यहाँ बुला रही, इतनी बड़ी मंच व्यवस्था, इतना बढ़िया कार्यक्रम, ऐसे ऐसे कलाकार आप ला रहे हैं जिनका कोई जोड़ नहीं, और उसी सूची में आज के ये दोनों कलाकार आपके बीच में हैं, आ रही हैं आपके सामने कल्पना जी। लेकिन उसके पहले परम सम्मानी हमारे विधायक जी की ओर से 1100 भैया श्री दीप नारायण सिंह यादव जी की ओर से आए हैं, लालवन भैया के लिए 501 रुपया, परम सम्मानी मेरे छोटे भाई खरारी शरण सोनी जी उनकी ओर से भी लालवन जी के लिए हैं, और 501 रुपया हीरा लाल यादव जो पायलावन सरकार समिति के अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छे आयोजन आप कराते हैं हर साल, वहाँ पर मंगल को जवाबी कार्यक्रम होता है, तो हमारे मुखिया भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 रुपया उन्नति आभूषण भंडार प्रमोद सोनी जी की ओर से आए हैं, तो और बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए कल्पना जी, आपका स्वागत है। हेलो, जय श्री राधे। हेलो 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 चेक हेलो हेलो थोड़ा मंच का आपसे दे दीजिए। हेलो 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 ठीक है, इतना बनाए रखिए जितना समझ में आता रहे और समय भी ज़्यादा बर्बाद ना हो, तो इसको जल्दी से आप देख लें और ये दोनों कोरस के माइक भी चालू कर दें, ढोलक का माइक भी देख लें। हेलो 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 थोड़े से मेन माइक की वाली मोड़ दे दें। हेलो हेलो मंच की वापसी मिल जाए। हेलो 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 चेक हेलो 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 चलिए ढोलक के माइक देखते हैं, ढोलक की चाटी। और ये कोरस वाले माइक चालू कर दीजिए। इसका
इसका बेस बता दीजिए। हेलो, दूसरा कोरस वाला माइक है। हेलो जखरो, ये हेलो जखरो, हेलो जखरो, हेलो, बहुत बढ़िया। ढोलक वाले माइक खोल दीजिए। चाटी वाला माइक, बढ़ाइए।
जैसे कि आज का
मेरा कार्यक्रम सफल हो सके माँ। जय हो। कि जब तुमको आखिरी बंद महामाई के चलो।
सुन लें कि सरिता बह रही है तो आकर के महारानी करिएगा क्या? क्या स्वर संगम की सरिता बहाया करो Yeah.
रुपया परम सम्मानीय हमारे माननीय विधायक जी दीप नारायण सिंह जी की ओर से कल्पना जी के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। क्योंकि बात कही दद्दा, दीपक दद्दा, हृदय से प्रणाम करूँ, लाइन को सुनेगा। बात कही आज आप लोगों ने कमाल कर दिया, जिंदगी के कायम का निशान कर दिया। वैसे तो हम लोगों के पास कुछ था नहीं, ना बेटा ना, वैसे हम लोगों के पास कुछ था नहीं, लेकिन आपने ये माला और माल लेके माला माल कर दिया। सिर्फ पैसे की मोहब्बत है इस जमाने में। श्री राजेश शर्मा प्रधान जी, कोटरा निवासी, आपके करकंडों से 201 पद्म ग्राह है, धन्यवाद है। बड़े भी हमारे इंद्र सिंह यादव जी, आपके करकंडों से 101 पद्म ग्राह है, हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। भैया का गीत आया, कौन सा थे रजो भैया? एक बात और है कि सिर्फ थोड़े से झगड़े में जाते थाने में। तमाम बातें लोग कहते हैं, लेकिन भैया की तरफ से बहुत बेहतरीन गीत आया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लालन भैया, आपको और आपके पूरे मंडल को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। आपका सवालिया गीत आया कि किया संकोच नहीं प्रभु ने ये बताने में, तो प्यारा ना सिउसा कोई दूजा इस जमाने में, प्यारा ना कोई सिउसा दूजा इस जमाने में। ये कौन कह रहा है? भगवान राम जी। लेकिन अगर राम को प्रिय है तो क्या शंकर को प्रिय नहीं है? बिल्कुल बेटे, भगवान शंकर ने रज महेश निज मानस राखा, रज महेश निज मानस राखा, पायु सुषमा शिवासन भाखा। अरे भैया जी, अब जवाब सुनिएगा। आपने दिखाया कि राम जी कह रहे हैं, आपने दिखाया कि राम जी कह रहे हैं, तो मेरी तरफ से जवाब क्या आना चाहिए सुनिएगा जरा। कि किया संकोच नहीं शिव ने ये बताने छोड़ी ना वहां नचने और नचाने।
मान्य श्री हमारे विधायक जी और सम्मान्य श्री राजेश प्रधान जी बोल रहा, आपके कर कमलों से यह 500 पद्म मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार माननीय विधायक जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, इसमें कमी ना करिएगा। एक टुकड़ा और सुनिएगा, सखा से बको प्रभु मेरे सुनो स्वामी है, त्रेता युग में रहा शिव जी ये अनुगामी है, आए वो मिथिलापुरी में, आए वो मिथिलापुरी में, जाने ये दुनिया सारी है, बना था चारु शिला में, बना था चारु शिला में, सिया की सखी में प्यारी, पहले बाना बना, लेकिन राम और सीता को मिलाने के लिए भगवान भोलेनाथ वानर के रूप में, फिर वानर से रूप में हनुमान जी के रूप में थे, तो वहां उनकी सीता जी की सखी बन गए चारु शिला। क्या बात है, वक्त कुछ बीता वहां प्रभु वर को निधाने राम साधु का नहीं प्रिय कोई जमा, मेरी मजबूरी मुझे लेके जा रही है।
छवि है छवि राम की, सीता तो बनी है बस राम की। अब एक कारण और सुनेगा जने लालन भैया, वहां और जोड़ी कैसे बनाई गई? शत्रुघ्न जी का नाम है रिपुदमन, जाके सुमरन दे रिपुनाता नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशन। रिपुदमन में कितने अक्षर हैं? रिपुदमन पांच। अब सुनेगा, अरे रिपुदमन में पांच है अक्षर, श्रुति कीर्ति में है उतने ही अक्षर। अब एक अक्षर हटा दिया, कितने बचे? चार। अरे यदि लक्ष्मण में चार है अक्षर, सती उर्मिला में है उतने ही अक्षर। तीन में से चार में से एक घटा दिया, कितने बचे? तीन। अरे तीन ही अक्षर नाम भरत में मानव तीन अक्षर है। अब तीन में से फिर एक घटा दिया, कितने बचे? दो। महर माधव अक्षर राम नाम की। सीता में कितने अक्षर हैं? दो। सीता तो बनी है बस राम की। ये दो अक्षर राम कहां से मिला? कहां से? बड़े भैया, भगवान भोलेनाथ ने राम की स्तुति 100 करोड़ श्लोकों में की। देवता पहुंच गए, भोलेनाथ इन श्लोकों का बंटवारा कर दो। भगवान ने तीन जगह बांटा, और तीन जगह बांटा कितना कितना? बोले 33,33,33,33,33। तो क्या 100 करोड़ बट गए? बोले नहीं। कितने बटे? बोले 99,99,99,999,000। अब बच्चा एक श्लोक जो था अनुष्टुप छंद में, उसमें है 32 अक्षर। बोले नाथ इन अक्षरों का भी बंटवारा कर दो। बोले नाथ ने 10 10 10 तीन जगह बांट दिए, शेष बच्चे 2 अक्षर राम और माँ, जो भोलेनाथ ने स्वयं से धारण कर लिए। जब भोलेनाथ ने किसको पिया, देवता पहुंच गए, भोलेनाथ कुछ हो तो नहीं ना? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले विष मैंने पिया, मेरे अंदर थे राम, जैसे विष अंदर गया अंदर से निकला राम, विष जाकर राम में मिला, विष धन राम हो गया, विश्राम तो मुझे तो विश्राम मिल गया। बड़े भैया, लेकिन अक्षर बच्चे थे दो, दो अक्षर मिला दे तो क्या राम हो जाएगा? राम और माँ मिला के राम हो जाएगा? ना बेटा ना। तो राम और माँ मिला के होगा रम। जैसे कहते कि दो मिटाते हो से अपना गम। अरे ये डंडा कौन लगा गया? किस डंडे की बात कर रही हो बेटा? अरे ये डंडा तो टेंट हाउस वाले लगा गए। इस डंडे की बात नहीं कर, राम और माँ के बीच में जो डंडा है वो क्या है? वो है माया रूपी डंडा। ये वाल्मीकि में ब्रह्म समान, जो ब्रह्म के समान होगा वो उल्टा नाम से मुझे जाना। वाल्मीकि ने युक्ति लगाई कि राह है ब्रह्म है जीव, दोनों के बीच में ये माया रूपी डंडा है, तो कहीं ये ब्रह्म से मिलने जीव जाएगा तो माया ना घेर ले, इसलिए उल्टा कर दिया। मरा मरा मारा जीव ब्रह्म मिल गया, माया ठीक किनारे लगा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया वाल्मीकि ने जो माया को किनारे कर दिया। भैया जी, बड़े भैया, लालन भैया सुन लीजिए, हम में आप में सब में राम है। तुलसीदास जी ने एक सूत्र बताया कि सब में राम मिलेंगे। किसी भी नाम को ले लीजिएगा, नाम का 4 गुना करें, 5 मिला के 2 गुना करें और 4 का भाग दे दें तो शेष बचेगा 2, वो है राम और माँ। जैसे ले लिया मुकेश, वैसे कोई भी नाम ले लो, चिंटू पिंटू टिंकू कोई भी नाम ले लें। लेकिन मैंने ले लिया मुकेश, जैसे ले लो दीपक, दद्दा जी बैठे हैं, 3 अक्षर हैं और 3 अक्षर का 4 गुना किया तो 4 को 12, 5 मिलाया 17, दुगना किया 34, 4 का भाग दिया 54, 32, शेष बचे ला और मा। क्या बात है, धन्यवाद है। आखिरी को प्रश्न सुनेगा, जो आप लोग रामचरित मानस पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले राम जी के चरण हैं, उन चरणों में चिन्ह है पूजने महाराज जी, और चरण चिन्ह है कितने? अरे चिन्ह चरण में 24 24, चिन्ह 48 से सुनो सुख
लेकिन रजो भाई को भी इतनी प्रसन्नता हो रही है कि महाराज जी बैठे हो, हम लोग गा रहे हैं। महाराज जी आज कितना बड़ा भाग्य है कि देखिए क्या बात है, क्या बात है। और महाराज जी प्रसन्न हो रही थी जब कल्पना जी कह रही थी, तो देखिए एक और बड़ी बात, दोनों पार्टियों के लिए 501 रुपया लालवन भैया के लिए और 501 रुपया कल्पना बहन जी के लिए पूज्य पाठ महाराज जी की ओर से आए हैं, जिनका आप कृपा पालन करते हैं, सुनते हैं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और 501 रुपया मुखिया जो हीरा लाल मुखिया है, कायला वन सरकार के कार्यक्रम के आयोजक रहते हैं परमेश, उनकी ओर से कल्पना जी के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम पुरस्कार तो अजीत नारायण सिंह यानी हमारे विधायक जी ने दिया था 1100 रुपए का। दूसरा खरारी सोनी 501 रुपये खरारी सोनी जी की ओर से है। 201 रुपये प्रदीप कुमार अमरोह वालों की ओर से है। 1000 रुपया विश्वनाथ यादव पूर्व प्रधान बुलावली की ओर से है। 100 रुपये भल्लू प्रधान बमरौली की ओर से है। 200 रुपया हिमांशु राजपूत लालौरा कोतवाली के सामने मोड़ की ओर से है। 1100 रुपये श्री सौरभ गौरव यादव झांसी वालों की ओर से है। 100 रुपया उन्नति आभूषण पूछ वालों की ओर से है प्रमोद झा। और 200 रुपये चरण सिंह यादव टिकौली वालों की ओर से है। 100 रुपये सुनील सरावन जो स्वयं बच्चे कीर्तन गा रहे हैं, गोहन सरावन से बता रहे हैं सुनील चावली जी, उनकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ मौट नगर को पावन नगरी में तब्दील करने वाले 1001 बहनों के भाई माननीय विधायक जी, महाराज बैठे हैं।